नमस्कार साथियों, तो आज फिर से बात तो कोई जरूर है कि सेकंड एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत जोड़ो यात्रा। क्या भारत जोड़ो यात्रा आखिरी विकल्प बन गया था कांग्रेस के लिए? क्या बीजेपी को उनकी रणनीति को तोड़ने के लिए कांग्रेस के पास सिर्फ और सिर्फ पैदल चलने का ही एक विकल्प बच गया था? आज बात करते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा किस तरह से और क्यों डिजाइन की गई। क्या कांग्रेस ने यह साफ कर दिया है कि उनके पुराने और दिग्गज नेता जो पार्टी में बैठकर ही पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे थे, चाहे वो गुलाम नबी आज़ाद हों या फिर पंजाब से कैप्टन अमरिंदर सिंह हों या फिर सुनील जाखड़ जी हों, कि अगर कोई कांग्रेस का साथ छोड़ना चाहता है तो बड़े आराम से छोड़ सकता है। भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस ने एक और संदेश जो है वो दे दिया है, वो है हिंदूवादी छवि। जैसे आज सोनिया गांधी जी मंदिर गई, वहाँ पर पूजा की, राहुल गांधी जी भी एक अलग तरीके से मंदिर मस्जिद हर धर्म को साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने नए अंदाज में वो बारिश में भीग कर भी भाषण कर रहे हैं और साथ में उन्होंने अजान के लिए अपने भाषण को भी रोका। एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस अभी कहीं नहीं गई, कांग्रेस अभी जिंदा है। तो मज़ा आएगा आने वाले चुनाव में, देखते हैं क्या होता है यह हाल। शुक्रिया, जुड़े रहें आशु ठाकुर यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।